मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में कॉलेज की परीक्षाओं में न सिर्फ धड़ल्ले से नकल चल रही है बल्कि फर्जी परीक्षार्थी भी भेटाए जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो चंबल की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुरैना के SDMG कॉलेज में परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी बैठाए जाने का मामला सामने आया है। इस इलाके में रहने वाली एक लड़की पिछले एक साल से लापता है, परिजन उसकी खोजबीन में जुटे हैं। इसी दौरान छात्रा के परिजन को ये जानकारी मिलती है कि उसकी बहन की जगह कोई और परीक्षा दे रहा है। जानकारी लगने पर लापता छात्रा की छोटी बहन परीक्षा सेंटर पहुंची और उसने पूरे फर्जीवाड़े को पकड़ा। उनके पिताजी आए थे हमारे यहाँ, तो वो बोल रहे थे हमारी बच्ची लापता है। मुझे कल ही इस चीज के बारे में पता चला, तो एग्जाम वगैरह कौन करा रहा है, मैंने हमें तो कोई जानकारी नहीं, बच्ची दे के गई होगी एग्जाम। हमें ऐसा लगता है हमारे कॉलेज का सेंटर कहीं अपने कॉलेज में नहीं रहता है, दूसरी जगह गवर्नमेंट कॉलेज में है और दूसरे प्राइवेट कॉलेज में हमारे दो जगह सेंटर है। कौन किसकी जगह क्या देता है वो उनकी व्यवस्था है, वो सेंटर वाले देखते हैं। वहीं भिंड में पर्यवेक्षकों के संरक्षण में BA BSc की परीक्षाओं में खुलेआम नकल हो रही है। यहाँ SDM और नायब तहसीलदार के आते ही पर्चियां फेंक दी गई। जांच के लिए पहुंचे SDM ने पर्यवेक्षकों और प्रिंसिपल के साथ ही प्रभारियों को जमकर फटकार लगाई। मामला शासकीय कॉलेज लहार एवं ITI कॉलेज का है। जांच के दौरान खिड़कियों के बाहर और अलमारी के ऊपर और नीचे बड़ी मात्रा में नकल के पर्चे और गाइड पाई गई। SDM ने इस पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर को भी दी है। कहना गलत नहीं होगा कि चंबल में नकल माफिया काफी हावी हैं, जिनकी कॉलेज के कर्मचारियों से भी सेटिंग है। इस कारण भी चंबल में खुल्लम खुल्ला नकल जारी है। सत्येंद्र सिंह तोमर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।